हैदराबाद का ही वाक्य है, एक बड़ी पार्टी, बड़ा सेठ कोई था, उसका इंतकाल हो गया। उसका इकलौता बेटा, एक ही बेटा है। अब वो बड़ा रो रहा है, बेटा मैं अपने वाले साहब की खिदमत नहीं कर सका, मेरे वाले साहब चले गए, मुझे तो सिर्फ वो पढ़ाते रहे और बाहर भेजते रहे और खिदमत करते रहे, मुझ पर खर्च करते रहे, मैं कोई खिदमत नहीं कर सका। बड़ा रो रहा है, बड़ा जारो गिदार रो रहा है, अफसोस कर रहा है वाले साहब के इंतकाल का। अचानक उठा और कहीं जाने लगा। किसी करीब ने पूछ लिया कि आप कहां जा रहे हैं, खैरियत तो है, इतनी जल्दी में जा रहे हैं। कहता है मैं वाले साहब की जिंदगी पर खिदमत नहीं कर सका, वाले साहब ने मुझ पर खर्च किया, मेरी खिदमत की, मैं कुछ नहीं कर सका। आज आखिरी वक्त है, आखिरी रसूमात है, अब मैं अपने वाले साहब के लिए लकड़ियां खुद जमा करूंगा, अपने हाथ से इनको आग लगाऊंगा। लोग सर पकड़ के बैठ गए, मुसलमान, मुसलमान का बेटा, मुसलमान के मुल्क में रहने वाला। लेकिन बात असल में यह है, रहता यहां पर था, सोच कहीं और थी, इसकी निस्बत, इसका ताल्लुक सोच के हिसाब से किसी और के साथ था। जिनको देखता रहा, जिनको बार बार देखता रहा, सुनता रहा, वही कुछ कर रहा है। हमें इसी की फिक्र नहीं है। हमारे बच्चों को बुनियादी तौर पर, बच्चों को कार्टून में यही चीज सिखा जाती है, ये जो बुद्ध है ना, ये तुम्हारा खुदा है। हमारे पाकिस्तान में चलते, मैंने खुद देखे हैं, भाई ये फुला कार्टून है, इसमें देखे इनको ताकत देने वाला, इनका ये फुला भगवान साथ में चल रहा है। ये बच्चों को कार्टून में सिखाया जाता है, हमें फिक्र नहीं है। फिक्र तो तब होगा ना जब हम इस बारे में सीखेंगे या सोचेंगे। ना सोच है, ना इल्म है, ना फिक्र। वरना अगर हमने ना सोचा तो फिर यही हाल जो मैंने वाकई सुनाया ना, हमारे घरों का होगा। तो ये निस्बत मुस्तफा को बाकी रखने की जरूरत है, इल्म हासिल कीजिए, अकायद के बारे में सीखिए, आमाल के बारे में सीखिए। नमाज हम पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमने कभी गौर नहीं किया कि नमाज किस तरह से पढ़नी है। जिस तरह से इमाम साहब पढ़ते हैं, जिस तरह से हमारे वाले साहब पढ़ते हैं, बस वैसे पढ़ते हैं। क्या आपने दुकानदारी इसी तरह से सीखी है, जिस तरह से वो करते हैं बस वैसे करते हैं, बस देख के सीख लिया, कोई आपने पूछा ही नहीं, किसी के बारे में, किसी साहब ने इस बारे में मालूमात ही हासिल नहीं की। कैसा करते हैं, डॉक्टर बनता है तो क्या सिर्फ देख देख करके भी डॉक्टर साहब यूं इंजेक्शन लगाते हैं, फलां वक्त पर ये दवाई देते हैं, क्या वो डॉक्टर बन जाता है? तो नमाजी कैसे बनेगा? कि नमाज की छोटी मोटी चीज है, उसको बगैर सीखा हम सीख लें, बगैर सीख हमें आ जाए। हमने कारोबार करा है, कारोबार के बारे में मसाल सीखे हमने, कुछ नहीं, फिक्र नहीं। अरे जिनके साथ निस्बत है और इस निस्बत पर हम फख्र करते हैं और इसी निस्बत की बरकत से हम जन्नत में जाएंगे।